हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। आज की इस वीडियो में आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 15.1 का प्रश्न नंबर 3। इस प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 और 2 मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए तथा बी उगाए गए, ठीक है। 3 सप्ताह तक उनकी ऊंचाइयों को हर सप्ताह के अंत में मापा गया। परिणामों को निम्न आलेख में दर्शाया गया। ये जो हमें ग्राफ दिया है इसमें पौधे ए तथा पौधे बी की ऊंचाइयों को दर्शाया गया है कि वो 3 सप्ते में किस किस ऊंचाई से बढ़े हैं। इससे संबंधित हमें ये कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके हमें आंसर्स देने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि ये जो इस ओर दिया है, ठीक है, ये है ऊंचाई सेंटीमीटर में। 2 सेंटीमीटर 4, 6, 8, 10, 12, 14 गैप कितना दिया है, 2 बॉक्सेस का। तो इसका मतलब हुआ 1 बॉक्स 1 सेंटीमीटर की दूरी दिखाएगा। ये 2 हो गया तो ये हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। और इधर जो दर्शाया गया ये है सप्ताह, ये हो जाएगा आपका पहला सप्ताह, ये दूसरा सप्ताह और ये तीसरा सप्ताह, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों पौधों की लंबाइयाँ 0 हैं। ये जो डार्क लाइन है, काली वाली लाइन, ये पौधे बी के लिए है और ये डॉट डॉट वाली जो लाइन है ये पौधे ए के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग में दोनों पौधों की ऊंचाइयाँ क्या हैं, 0 हैं। पहले सप्ते में पौधे बी की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है और पौधे ए की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। दूसरे सप्ते में दोनों पौधे एक ही ऊंचाई पर बड़े हैं, यानी ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ये 6 हो गया, ये 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और तीसरे सप्ते में पौधा ए है आपका 9 सेंटीमीटर पर, ये 8 है, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और पौधा बी है, ये सीधी लाइन पर इधर आते जाइए, 10 सेंटीमीटर पर। अब देखते हैं प्रश्न क्या दिया है। पहला प्रश्न हमें दिया है 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी। तो 2 सप्ते बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, देखिए दूसरा सप्ताह ये रहा, ठीक है। इस लाइन से हम ऊपर जाएंगे, यहाँ हमें डॉट मिलेगा, यहाँ पौधा ए तथा पौधा बी दोनों समान ऊंचाई पर है और ये ऊंचाई कितनी है। अब इस लाइन पर सीधे इधर जाएंगे ऊंचाई की तरफ, तो यहाँ पर हमें मिलता है ये 6 हो गया, ये 7, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, यानी 2 सप्ते बाद पौधे ए की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। 3 सप्ते बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी होगी, ये रहा 3, तीसरा सप्ताह, सीधे लाइन पर जाइए, ए का पूछा है तो ए का डॉट ये रहा, ठीक है। अब इससे ऊंचाई की ओर आइए इधर, तो यहाँ पर ये 8 रहा, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। तो तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी मतलब तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी पर, 2 सप्ताह बाद 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई बताइए। अभी हमने ए की बताई, बी की बतानी, तो 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई क्या, देखिए दूसरा सप्ताह ये रहा और दूसरे सप्ते पर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ डॉट मिलेगा और ये है डॉट हमारा 7 सेंटीमीटर का। तो 2 सप्ताह बाद पौधा बी भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है और ए भी 7 सेंटीमीटर बड़ा है। 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी, तीसरा सप्ताह ये रहा, अब यहाँ सीधे चले जाइए, ये रहा डॉट बी का और बी से जब इधर आएंगे तो मिलेगा 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सप्ताह बाद पौधा ए 7 सेंटीमीटर बड़ा है और 3 सप्ताह में 9 सेंटीमीटर बड़ा है, जबकि पौधा बी 2 सप्ते में 7 सेंटीमीटर और 3 सप्ते में 10 सेंटीमीटर का बड़ा है, ठीक है। अगला है सी, तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी, ये रहा तीसरा सप्ताह, ठीक है, पौधा ए यहाँ पर ये डॉट रहा और ये ऊंचाई कितनी है, ये है आपकी 9 सेंटीमीटर, ये 8 हो गया 9, यानी तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई जो है वो है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरे सप्ते में कितनी है, ये रहा दूसरा सप्ताह, दूसरे सप्ते का डॉट ये रहा, यहाँ से इधर आएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर, मतलब दूसरे सप्ते में पौधा ए 7 सेंटीमीटर का और तीसरे में हो गया 9, तो कितना अंतर आया, 9 में से 7 को घटा देंगे, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बढ़ी है, 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, क्योंकि दूसरे सप्ते में 7 सेंटीमीटर है और तीसरे में हो गया ये 9 सेंटीमीटर का, तो 7 और 9 के बीच में कितना अंतर है, 2 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो तीसरे सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई बढ़ी है 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, दूसरे सप्ते के अंत से तीसरे सप्ते के अंत तक पौधे बी की ऊंचाई कितनी बढ़ी, तो देखिए दूसरे सप्ते के अंत में पौधे बी की ऊंचाई ये रही, ठीक है, और ये है आपकी 7 सेंटीमीटर, तो दूसरे सप्ते में पौधा भी 7 सेंटीमीटर का है,
और फिर तीसरे सप्ते में देखते हो तो तीसरा सप्ताह ये रहा और पौधा भी ये रहा और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी दूसरे सप्ते में पौधा 7 सेंटीमीटर और तीसरे में है 10 सेंटीमीटर का, तो अंतर कितना है 10 - 7 = 3 सेंटीमीटर का। पौधा बी दूसरे सप्ते में 7 सेंटीमीटर का, तीसरे में 10 सेंटीमीटर, कितना अंतर हुआ 3 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सप्ते में पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। देखिए स्टार्टिंग में पौधे ए की ऊंचाई क्या है 0, और एक सप्ते बाद पौधा ए कितना हो गया है 2 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर एक सप्ते में 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई बढ़ी है। चलिए अब पहले सप्ते और दूसरे सप्ते में देख लेते हैं। देखिए पहले सप्ते में पौधा ए 2 सेंटीमीटर का है और दूसरे सप्ते में यानी इस वाले सप्ते में कितना हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो कितना गैप आया 2 और 7 = 5 सेंटीमीटर का। मतलब पहले सप्ते में पौधा ए 2 सेंटीमीटर का है और दूसरे सप्ते में ये हो गया 7 सेंटीमीटर का, तो कितना अंतर है 7 - 2 यानी 5 सेंटीमीटर का। तो पहले और दूसरे सप्ते के बीच में ये 5 सेंटीमीटर बढ़ा है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे और तीसरे सप्ते के बीच में इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ी है। तो दूसरे सप्ते में पौधा ए है 7 सेंटीमीटर और तीसरे में ये है, देखिए ये रहा, ठीक है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ कितनी ऊंचाई बढ़ी है, दूसरे में 7 सेंटीमीटर, तीसरे में 9 सेंटीमीटर, 9 और 7 कितना अंतर है 2 सेंटीमीटर का। तो सबसे ज़्यादा पौधा ए कौन सप्ते में बढ़ा है, पहले से दूसरे सप्ते में, यानी मतलब दूसरे सप्ते में, दूसरे सप्ते में पौधे की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी है। तो इसका आंसर हम लिख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे सप्ताह में। ठीक है, नेक्स्ट है, किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि किस सप्ते में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी है। अभी पूछा गया था पौधे ए की ऊंचाई किस सप्ते में सबसे अधिक बढ़ी है, अब पूछा गया है पौधे बी की ऊंचाई किस सप्ते में सबसे कम बढ़ी है। तो देखिए स्टार्टिंग में दोनों की ही ऊंचाइयां 0 थी, पहले सप्ते में ये देखिए ब्लैक लाइन, ठीक है ब्लैक लाइन देखनी है, पहले सप्ते में ब्लैक लाइन कहाँ पर है 1 सेंटीमीटर, ठीक है यानी पहले सप्ते में 1 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत लंबी छलांग लगाई है, 1 से ये कितने का हो गया है 7 सेंटीमीटर का, देखिए 7 है ना, पहले सप्ते में 1 सेंटीमीटर था और दूसरे में हो गया 7 सेंटीमीटर। अब दूसरे से तीसरे के बीच में देख लेते कितना गैप आया, दूसरे में 7 सेंटीमीटर और तीसरे में 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी 3 सेंटीमीटर का गैप है, जबकि पहले सप्ते में ये केवल 1 सेंटीमीटर बढ़ा। तो सबसे कम ऊंचाई पहले सप्ते में बढ़ी है, तो आप आंसर में लिख लेंगे पहले सप्ते में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्या किसी सप्ते में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जी, क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी। तो आप बोल सकते हैं यस, सप्ताह 2 में दोनों पौधे की ऊंचाइयां समान थी, जो कि कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये हो जाएंगे आपके आंसर्स। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।